जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज रविवार था, छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि आज थोड़ी बाइक धो ली जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। बाइक पूरी गंदी हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइक की स्थिति काफ़ी ख़राब है। देखिए आप, आपको दिख रही है फोर व्हीलर, तो आप यही सोच रहे होंगे ये गाड़ी मेरी है, पर ये गाड़ी मेरी नहीं है। हमारे पास में मित्र है दादा, उनकी गाड़ी है। हाँ, कभी आवश्यकता होती है तो कहीं जाना होता है, अर्जेंट कोई इमरजेंसी काम होता है तो उनसे हम मांगते हैं, तो कभी वो मना नहीं करते। इसके लिए कभी ना कभी अपनी गाड़ी भी आएगी सही, आज नहीं तो कल, ऐसा मन में विश्वास है। बाकी तो और क्या है, जीवन है, चल रहा है, ये दाल रोटी खा रहे हैं और क्या। तो अभी हम अब गाड़ी धोएंगे। ये पानी हमने रख दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पानी ले आया हूँ मैं। और अभी धैर्य जो है वो सुबह सुबह उसके दोस्त के यहाँ कहीं चला गया है, तो आया तो उससे शैम्पू भी मंगाता हूँ अभी मैं, उसके बाद आज गाड़ी धोएंगे। धैर्य को आवाज़ देके मैंने बुलाया, कहाँ गया था तू? अरे तो मेरे को गाड़ी धोना, शैम्पू लाता ना बेटा। वो सुन, वो वहाँ चला ना कपिल भैया की दुकान से, तू क्या करेगा 2 रुपए को? क्या पेप्सी वेप्सी लाएगा ना उनको पा है? क्या करेगा तू 2 रुपए को? पेप्सी कह रही है मेरे को कुछ ना पीते हैं। पेप्सी पेप्सी नहीं खाना, अभी गर्मी नहीं आई है। कितने पैसे दिए? 6 रुपए। हाँ, कोई से भी शैम्पू मिले ले आना है, है ना? शैम्पू लेने जा रहा है। जय सियाराम। तो धीरे अभी शैम्पू लेके आ चुका है, तो जल्दी ला शैम्पू। कितने लाया? और तू कहाँ जा रहा है? तेको नहाना नहीं, गर्म पानी हो गया ना, तो नहा ले बेटा। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जा रहा, चस्का ले। अभी ठंड रह रहे थोड़ी, अभी गर्मी तो आने थोड़ी बहुत, फिर चस्का लाना। कितने पैसे ले जा रहा बता? ज़्यादा पैसा ले जा रहा, 1 रुपया 1 चस्का बस। फिर दिन भर में 1 ही चस्का फिर नहीं मिलेगा, शाम को मत बोलना, फिर दोपहर में भी मत मांगना, ठीक है? जा। तो धीरे अभी चस्का लेने गया, जैसा कि आपने देखा चस्का का मतलब होता है पेप्सी, 1 रुपए की एक पेप्सी आती है छोटी ऑरेंज कलर की, वो भी धीरे लेने गया है। तो अभी वैसे ठंड है, अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं आई है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगती है और शाम को भी ठंड है, तो क्या है ज़्यादा पेप्सी खाने से बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो गाड़ी धोने का काम तो चल ही रहा है इस बीच में तो सब काम चालू है, गाड़ी भी धो रहे हैं और जो आराम से मिल भी रहे हैं और बातचीत भी चालू है। आप बने रहिए मेरे साथ आज। अभी ये क्या लाया तू? चस्का। तो चस्का लेके आ गया है ये, और कैसा है चस्के का स्वाद? हाँ। बता इधर का। तो ये धीरे चस्का लाया, आप देख सकते हैं 1 रुपये का 1 चस्का आता है ये, जिसको पेप्सी भी बोलते हैं। और ये धीरे अभी लेके आया है, मैं गाड़ी धो रहा था बीच में, मेरे को ला के बता रहा है पापा मैं चस्का ले आया हूँ, और इसका शायद ऑरेंज कलर का टेस्ट है इसका, अच्छा लगता है। तो आपको भी यदि चस्का खाना हो आप खा सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपये का एक, काफ़ी सस्ता है। तो हमारे बीच में दादा भी पहुँच चुके, दादा तो पास में रहते हैं, मुलाकात इनसे होती रहती है। जय सियाराम। जय सियाराम। और कैसे आप? बढ़िया मस्त। बढ़िया हो गया सुबह का काम का? अब हो गया कम्प्लीट। क्या प्रोग्राम आज? अरे भी जाएंगे दुकान पर, दुकान पर जाएंगे और दुकान पे जाके दुकान पे दिन भर रहेंगे। हाँ, आज आपकी गाड़ी भी बताई मैंने, मैंने कहा सब समझते होंगे कि ये वीडियो बनाता है, गाड़ी इसकी होगी है पास में, मैंने कहा ऐसा नहीं है, दादा की गाड़ी है। बाकी कभी कुछ भी काम रहता है दादा दे देते हैं, मना नहीं करते हैं, है ना? चलो और क्या, इमरजेंसी में ही गाड़ी, दादा से भी मुलाकात हो गई है आपने देखा, और गाड़ी धोने का काम तो अभी चालू है, कम से कम आधा घंटा हो चुका है गाड़ी धोते धोते, और देखते हैं गाड़ी कितनी देर में धुलती है ये। और हमारे बीच में हमारे मित्र भी पहुँच चुके हैं हम ले जो, तो दादा भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं तो दादा गाड़ी ने निकाल लिया। दादा किधर? शहराम दुकान पे, मेघना है दुकान पे। तो दादा की दुकान है मेघनगर, दादा काय की दुकान है आप थोड़ा बताएंगे? दवाई की दुकान है। दवाई की दुकान है, और आपको कभी भी कीटनाशक कोई दवाई खेती बाड़ी में खरीदना होता है दादा की दुकान है। किस नाम की दुकान है दादा आपकी? श्री श्याम कृषि सेवा केंद्र मेघनगर। श्री श्याम कृषि सेवा केंद्र मेघनगर, बस स्टैंड के पास में इनकी दुकान है। आपको कोई भी कृषि की सेवा का काम जो हो, जो भी सामान लेना हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री श्याम। हमारे बीच में हमारे कमलेश जी भी आ चुके हैं। सभी को प्रणाम। तो कमलेश जी आप आज मंदिर में दर्शन करने आए थे? बिल्कुल। और मैं बोल रहा था कि काफी समय हो गया आप घूम ही नहीं गए आपके साथ। तो आप बोलो कहाँ चले? एक आध दिन टूर बना लो, सहारनपुर गए तो चलो। बिल्कुल चले। आते शनिवार होली आ रही है,
नहीं है भगोरिया भगोरिया मेघना का भगोरिया फिर आपकी दुकान तो शाम को चलेंगे ना रविवार के दिन शनिवार रात में निकल जाते हैं है ना। तो दोस्तों अभी हमने प्लान बनाया, देखते हैं ये प्लान हमारा सक्सेस होता है या नहीं शनिवार को जाने का। तो अभी हम तीन जने तो तैयार हो चुके हैं, दो जने और हमको चाहिए। हो जाएंगे, घनश्याम भी है, कांदा कांदा का भी क्या वो भी आ जाएगा। तो घनश्याम भी और मनीष भी है, उस मनीष को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो देख लो, बना लो टूर एक आध दिन और दोस्त चलते हैं। ठीक, अभी गाड़ी धोने का काम तो चल ही रहा है, करीब एक घंटा हो गया गाड़ी धोते धोते। प्रेशर मशीन है क्या? ये प्रेशर मशीन है तो नली लगा रखी है यहाँ से। तो दोस्तों अभी सबसे मुलाकात हो चुकी है और अभी गाड़ी धोने का काम तो चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी एक घंटा हो गया करीब करीब गाड़ी धोते धोते, और अब कितना समय लगेगा और शायद पूरा दिन तो नहीं लगेगा, बस कम्प्लीट हो चुके हैं अपने। हमारे एक और मित्र पहुँच चुके हैं, हमारे मनीष जी। और कैसे क्या चल रहा है? बस बढ़िया है। हेलो बरबर, हाय। खेत पे जा रहा? खेत पे नहीं, हम साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, साइड का काम बता रहे। तो रही वाले छुट्टी? हमारी कोई छुट्टी नहीं है, प्राइवेट रहते हैं। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया आनंद। जय श्री राम, मिलते हैं फिर। इतनी सारी चीजें करानी, ब्रेक डलवाने ने, हैंडल ठीक कराना ने, सीट ठीक करानी ने, पूरी उखड़ा ली, कहीं नहीं बचा बापरे का, पीछे का पतरा डला मैं। हाय, पहले डलवा दिया था, पहले निकाल दिया, पहले निकाल दिया। आ रहा हूँ, क्या लेना? अभी तो गए थे दुकान पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी फाइनली धो के कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी चमक रही है गाड़ी आज मेरी, और काफ़ी अच्छे से धोई है मैंने। करीब डेढ़ घंटा लग गया इस गाड़ी धोने में। मित्र लोग आ गए थे तो उनसे भी मुलाकात चल रही थी। तो फाइनली गाड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गाड़ी कैसी लग रही है धोने के बाद। गाड़ी धोने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से, तो हम घर की ओर चलते हैं, देखते हैं आज क्या बना है घर में। तो आज रविवार है दोस्तों, छुट्टी का दिन है, तो अभी हम बना रहे हैं। क्या बन रहा है? बना रहे कहीं था? दाल ढोकली बन रही है। दाल ढोकली बन रही है, अच्छा। तो दोस्तों आज देखो आप, दाल ढोकली बना रहे हैं हम। अब ये गैस के अंदर ये दाल पहले बघार ली इसमें है ना, उसके बाद फिर ये रोटी जैसा बना के ने, उसके बाद इसको काट के ने, फिर इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसमें सीटी ले लेंगे। तो ढोकली तैयार, दाल ढोकली है ना। तो आप देख सकते हैं दाल ढोकली आज बन रही है, आज रविवार है तो आज दाल ढोकली खाएंगे। देख सकते हैं दाल ढोकली बन के तैयार, और आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा देख के। तो अभी मैं टेस्ट करूँगा कैसी बनी है ये। अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं दाल ढोकली, आप देख सकते हैं काफ़ी वाव, काफ़ी अच्छी बनी है दाल ढोकली दोस्तों, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। ये थोड़ा सा अभी नाश्ता ही है, क्योंकि वहाँ मकान के उद्घाटन में भी खाना खाना है, अभी बाकी है।